हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेल कर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख महल, जितने भी प्रमुख महल हैं वो कवर करेंगे। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश में किले वाला टॉपिक अपलोड कर दिए, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के प्रमुख महल डिस्कस करेंगे। जितनी भी वन डे एग्ज़ाम होती है मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल की, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वन डे एग्ज़ाम में, कौन सा महल किस जिले में है, उसकी क्या विशेषताएँ हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये वाला लेक्चर को भी देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख महल डिस्कस करेंगे। आपको हमारा ये प्रयास अगर पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही हमारे इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है, माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं विलम्ब न करते हुए। मध्य प्रदेश के प्रमुख महल देखिए, गुजरी महल। गुजरी महल ग्वालियर में है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कहाँ पर है, ग्वालियर में। ग्वालियर दुर्ग में स्थित गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। इस महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1560 के मध्य करवाया था, अपनी प्रायसी यानी प्रेमिका मृगनयनी जो गुर्जर जाति की थी, के लिए करवाया था। तो याद रखना है, इस कारण इसे मृगनयनी महल भी कहा जाता है। तो गुजरी महल पूछे चाहे मृगनयनी महल पूछे, वही है जिसका निर्माण ग्वालियर में है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। खरबूजा महल है धार में। धार के किले में निर्मित इस महल के ऊपर से संपूर्ण नगर दिखाई देता है। पूछा जाएगा कहाँ पर है। दाई का महल, ये दाई का महल है मांडू में। मांडू आता है धार में। महत्वपूर्ण कलाकृतियों हेतु चर्चित व अकबर से संबंधित है। यह किला अकबर से संबंधित है। दाई का महल अकबर से संबंधित है, याद रखना है। असरफी महल, ये मांडू में है। असरफी महल काटेरी की भांति बना यह महल अफगानी कला का भव्य नमूना माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, असरफी महल अफगानी कला का भव्य नमूना, लोगों को देखने पे मग्न कर देने वाला, अफगानी कला का मग्न यानी अच्छा नमूना है, याद रखना है। दाई का महल सॉरी असरफी महल मांडू में है, याद रखें। रानी रूपमती का महल मांडू में है। बाज बहादुर ने प्रायसी रानी रूपमती इस महल के पवित्र नर्मदा के दर्शन करती थी। बाज बहादुर की प्रेमिका जिसका नाम था रानी रूपमती, उन्हीं के नाम पर रखा गया महल का नाम, ये याद रखना है। किसने करवाया था, बाज बहादुर ने रानी रूपमती का महल मांडू में। राम राजा मंदिर ओरछा में है। बेतवा नदी के द्वीप में राजा वीर सिंह देव जुदे द्वारा निर्मित, राजा वीर सिंह देव जुदेव ने करवाया था इसका निर्माण। राम राजा मंदिर ओरछा में है, याद रखना है। जहांगीर महल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओरछा निवाड़ी में है। ओरछा जहांगीर महल, जहांगीर ने ओरछा के दुर्ग में इसका निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण जहांगीर ने खुद ही करवाया था। नवखंडा महल मुंगावली स्टेशन से 38 किलोमीटर दूर स्थित है, चंदेरी में। ये चंदेरी अशोकनगर में आता है। मुंगावली स्टेशन कहाँ पर है, अशोकनगर में छे। नवखंडा महल प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा 11वीं सदी में निर्मित, कीर्तिपाल ने बनाया था 11वीं सदी में। ये हवा महल चंदेरी में है, ये भी प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बनाया था इसको भी 11वीं सदी में। इत्रदार महल रायसेन में है, रायसेन के दुर्ग में स्थित है। बादल महल दो चार जगह है लेकिन रायसेन में भी है। रायसेन दुर्ग में राज बसंती ने इसका निर्माण करवाया था 16वीं शताब्दी में, राज बसंती ने, याद रखना है। राजा रोहित का महल रायसेन में है, राज बसंती। बघेलिन महल इम्पॉर्टेंट है, बघेलिन महल मंडला में, ये इम्पॉर्टेंट है। बघेलिन महल मंडला मोती महल के पूर्व में 3 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मोती महल भी मंडला में है और बघेलिन महल भी मंडला में है, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। जय विलास महल ग्वालियर में है। जीवाजी राव का निवास स्थान था ये, जीवाजी राव का निवास था। यहाँ पर संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय है, नमूने पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, पाश्चात्य नमूने पर बना हुआ है। ये देखिए, एक मोती महल ग्वालियर में भी है, मंडला में भी था।
जीवाजी राव का सुंदर महल है ये, जो ग्वालियर में है मोती महल, ये जीवाजी राव का सुंदर महल है या मध्य प्रदेश का एजी ऑफिस भी लगता है। एजी का मतलब क्या, एजी का मतलब है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी नहीं एडवोकेट जनरल का ऑफिस लगता है, तो ये याद रखना है। मदन महल जबलपुर में, डायरेक्ट आएगा मदन महल जबलपुर में है, निर्माण मदन शाह ने करवाया था, गोंड शासक था, कब करवाया था 1200 ईस्वी में डायरेक्ट पूछा जाएगा। मदन महल जबलपुर में है, गोंड राजा मदन शाह ने 1200 ईस्वी में निर्माण करवाया था। राजा अमन का महल अजयगढ़ में है, पन्ना, राजा अजयपाल द्वारा निर्मित है, अजयपाल ने करवाया था, पत्थर से बना हुआ है, याद रखना है। देखिए महल और किले, इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने किले देख लिए थे, तो वो प्रमुख किले थे, और उसके अलावा भी कई जिलों में कई किले हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है, तो इसको भी कवर करते हैं। तो देखिए माधवगढ़ का किला ये सतना जिले में है, माधवगढ़ का किला ये सतना जिले में है, वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। उमरिया में बांधवगढ़ के किले में विष्णु, भगवान विष्णु के शेष शाही मूर्ति भी बनी हुई है, तो ये अपन ने तो वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सनोधा किला स्थित है, सनोधा किला कहाँ पर है, सागर में। सैधवा का किला बड़वानी में, सैधवा तहसील भी बड़वानी में है, तो सैधवा का किला भी बड़वानी में। 18वीं शताब्दी में नया गांव हवेली श्योपुर में है, ये हवेली है एक, नया गांव हवेली श्योपुर में है। मंडला जिले का ऐतिहासिक किला रामनगर में स्थित है, मंडला का एक किला अलग है और ये मंडला में एक और किला है, मंडला जिले का ऐतिहासिक किला ये रामनगर में स्थित है, रामनगर आता है मंडला में। आधे गांव का किला ये सिवनी जिले में है, आधे गांव का एक किला है, किले का नाम है आधे गांव में एक किला है, तो सिवनी में है। भिंड का अटेर का किला चंबल नदी के किनारे है, अटेर का किला भिंड में है। छिंदवाड़ा के पास स्थित देवगढ़ का किला है, गोंड शासक राजा जाटव द्वारा बनाया गया था, मोती टाका तालाब यहीं स्थित है, देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा में है। सिंहगौरगढ़ का किला ये दमोह में है, संग्रामपुर में स्थित है, सिंहगौरगढ़ का किला दमोह में संग्रामपुर के पास है। सब्बलगढ़ का किला ये मुरैना में है, ये एक और नाम है इसका, सब्बलगढ़ के किले का गढ़ी सुमावली वहीं पे है, तो याद रखना है। लांजी का किला इंपॉर्टेंट है, लांजी तहसील है एक बालाघाट जिले में, तो वहाँ पे एक किला है जिसका नाम है लांजी का किला, बालाघाट जिले में है। निर्माण किसने करवाया था, गोंड राजवंशों से संबंधित है, यानी गोंड राजाओं ने, तो गोंड राजवंशों से संबंधित है। लांजी का किला बालाघाट में है, पूछा जाता है। ग्वालियर का किला भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है, पता है तो आपको। अटेर का दुर्ग का निर्माण भदौरिया राजा बदून सिंह ने 1644 से 1668 में करवाया था, तो ये आ सकता है। अटेर का किला कहाँ पर है, भिंड में, किसने करवाया था, बदून सिंह ने करवाया था। मध्य प्रदेश में गढ़कोटा का किला सागर जिले में स्थित है, गढ़कोटा का किला सागर में स्थित है। मकड़ई का किला हरदा में, देख लिए थे इसको। तो दतिया का किला वीर सिंह महल में कुल 7 ताल हैं। दतिया के वीर सिंह महल में कुछ 7 ताल हैं। विजय राघवगढ़ का किला कटनी जिले में स्थित है, विजय राघवगढ़ का किला कटनी में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ के किले में राम लक्ष्मण से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये। बांधवगढ़ का किला जो है वो पौराणिक कथाओं के अनुसार राम लक्ष्मण से संबंधित है, पूछा जा सकता है। कमलापति पैलेस भोपाल में है। दिल्ली गेट, मैंने बताया था दिल्ली दरवाजा मांडू में है, ये वो छह, दिल्ली गेट मांडू में स्थित है। 12 दरवाजे हैं, उसमें से एक है दिल्ली दरवाजा, दिल्ली गेट नाम है। कोसक महल चंदेरी में, चंदेरी अशोकनगर, कोसक महल। कालिया देह पैलिस छिप्रा नदी के किनारे स्थित है, कालिया देह पैलिस इंदौर में है, छिप्रा नदी के किनारे है। भोपाल के नवाब दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी पत्नी फतेह बीबी के नाम पर फतेहगढ़ का किला बनवाया था, ये फतेहगढ़ का किला कहाँ पर है, भोपाल में, याद रखना है। गोविंदगढ़ महल रीवा में है, इंपॉर्टेंट है गोविंदगढ़ महल। शाही किला बुरहानपुर में है, बुरहानपुर के किले में, आसिरगढ़ के किले में,
आगे चलते हैं। सुंदर महल मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरछा में है, आएगा ये सुंदर महल ओरछा में। जल प्रबंध के लिए रायसेन का किला प्रसिद्ध है, वहां एक नंबर तरीके से जल 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 प्रबंध किया गया था उस जमाने में, जल प्रदाय की तकनीक बहुत अच्छी है वहां की, इसलिए बताया गया। घमू महल यानी घुमाओ महल, घुमाओ महल हिंडोला महल को भी कहा जाता है। हिंडोला महल हिलता है अपने आप में तो घूमता है, इसलिए उसके घुमाओ महल भी कहा जाता है। राजगढ़ में स्थित नरसिंहगढ़ के किले को कश्मीर मालवा कहा जाता है। राजगढ़ में किला है जिसका नाम है नरसिंहगढ़ का किला, उस किले को कश्मीर ए मालवा भी कहा जाता है, ये बताया गया है। मुरैना जिले में आसान नदी के किनारे कुतवार का किला स्थित है, कुतवार का किला स्थित है जिसका निर्माण गोहद के राजा राणा छात्रपति ने करवाया था। तो इम्पॉर्टेंट है ये। कन्हरगढ़ का किला दतिया में सिंध नदी के किनारे स्थित है, कन्हरगढ़ का किला दतिया में सिंध नदी के किनारे स्थित है। अटेर का किला गोहद का किला भिंड में है, गोहद का किला गोहद तहसील है भिंड में, गोहद का किला भी भिंड में है, अटेर का किला भी भिंड में है, याद रखना है। अब देखिए पुरातात्विक स्थल से जुड़े हुए कुछ किले हैं तो उनको भी देख लेते हैं, पूछे जाते हैं। कुछ पुरातात्विक स्थल है उसको भी देख लेते हैं। पुरातात्विक स्थल क्या होते हैं, इतिहास की जानकारी मिलती है वहां से, मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने में आसानी आती है। तो देखिए पहला भीमबेटिका की गुफाएं, ये भीमबेटिका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में है, अब्दुल्लागंज जगह का नाम रायसेन में है, रायसेन जिले में है। शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र यानी प्रायोगैतिहासिक चित्र, भीति चित्र मिलते हैं यहाँ से, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। भीमबेटिका को 2003 में विश्व धरोहर यानी यूनेस्को में शामिल किया गया था, 2003 में शामिल किया गया, याद रखना है, सन भी याद रखना है। मध्य प्रदेश के तीन स्थल शामिल है, खजुराहो के मंदिर, सांची स्तूप, भीमबेटिका की गुफाएं। तो यहां से इतना ही। रेवा कुंड मांडू में स्थित है, रेवा कुंड मांडू में स्थित है, या बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनाया था, यानी रानी रूपमती से जुड़ा हुआ है। रेवा कुंड कहां पर, अगर क्वेश्चन आता है याद रखना है। गुना में मल्हारगढ़ किले में दोयला बावड़ी स्थित है। तो ये मल्हारगढ़ का किला कहाँ पर है, गुना में है, और यहाँ पे एक बावड़ी है, दोयाला बावड़ी, तो नाम याद रखना है इसका, दोयाला बावड़ी गुना में है, मल्हारगढ़ के किले में। रीवा में गुफा लेखन है, गुफा में लिखा हुआ है कुछ, रीवा में गुफा लेखन अंतर्लेख साक्ष्य पाए गए हैं रीवा में, ये भी एक फैक्ट है। सिलहार की गुफाएं अनूपपुर में स्थित है, ये भी गुफा है, सिलहारा की गुफाएं अनूपपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। यशोधर्मन का विजय स्तंभ सोधनी मंदसौर में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भीमबेटिका, देखिए भीमबेटिका के बारे में आता ही, इसलिए दो चार बार लिखा है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भीमबेटिका अपने मध्यकाल शैल्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आता है भीमबेटिका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है, मध्यकालीन शैल्य चित्रों के लिए, प्रायोगैतिहासिक चित्र, भीति चित्र मिले हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। लाल सफ़ेद पीले रंग का प्रयोग किया गया है वहाँ पे, गेरू रंग का भी प्रयोग किया गया है, ये सब याद रखना इससे। उसके बाद देखिए अगला, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इम्पॉर्टेंट है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, वहाँ टोटल 29 गुफाएं, क्वेश्चन आ जाता है अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, 29 गुफाएं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। भीमबेटिका की गुफाएं की खोज 1957 में, सन आएगा पेपर में, भीमबेटिका की गुफाएं की खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कड़ ने की थी, डॉक्टर नाम है इनका याद रखना, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कड़ वाकड़कर जी ने की थी
इंपॉर्टेंट है। भीमबेटकी की गुफाएं की खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने 1957 में की थी। भारतीय वैज्ञानिक ने चित्रकूट में 1.6 अरब वर्ष पुरानी जीवाश्मों की जोड़ी की खोज की है। जीवाश्म की खोज की है, याद रखना, ये 1.6 अरब पुरानी जीवाश्म की खोज की है। कहाँ पे हुई है? चित्रकूट में, चित्रकूट सतना में आता है। मालक कोटी जय स्तंभ छिंदवाड़ा में, मालक कोटी जय स्तंभ छिंदवाड़ा में है, इंपॉर्टेंट है। हरियागढ़ किला, ये हरियागढ़ का किला है गोंड वंशी जूनार देव के पास, गोंड वंशी राजा ने बनवाए थे हरियागढ़ का किला जूनार देव के पास, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। जूनार देव जगह का नाम है, छिंदवाड़ा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नरवर का किला, कछवा राजाओं द्वारा निर्मित नरवर का किला शिवपुरी में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कहाँ पे? शिवपुरी में स्थित है। और ये जो नरवर का किला है, राजा नल और दमयंती की कथा से जुड़ा हुआ है, राजा नल और दमयंती की कथा से जुड़ा हुआ है, याद रखना है। इस किले के अंदर लोड़ी माता का मंदिर है, इस किले के अंदर लोड़ी माता का मंदिर है, याद रखना है। उसके बाद देखिए तो कुछ किले हैं जो जिले के नाम देके पूछे जाते हैं। कजलीगढ़ का किला बुरहानपुर में है, याद रखना है। कजलीगढ़ का किला बुरहानपुर में है। बजरंगगढ़ का किला गुना में है, बजरंगगढ़ का किला गुना में है। गढ़ कुंठार का किला निवाड़ी में है। गढ़ कुंठार का किला निवाड़ी में है। गोहद का किला इंपॉर्टेंट है, गोहद का किला भिंड में है। गोहद नाम की तहसील भी है भिंड में, वहीं पे छे गोहद का किला। हिंगलाज का किला ये मंदसौर में है, इंपॉर्टेंट है। हिंगलाज का किला मंदसौर में है। दसपुर का किला मंदसौर में है, दसपुर नाम था पुराना मंदसौर का, तो दसपुर का किला मंदसौर में स्थित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कौन से कहाँ स्थित है, तो ये याद रखना है जो भी मैंने बताया। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने प्रमुख महल और किले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और मध्य प्रदेश के प्रमुख महल डिस्कस किए थे। इसके पहले हमने किले डिस्कस किए थे, याले लेक्चर में महल डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी वन डे एग्ज़ाम होती है, स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको और पढ़ना है। यहाँ लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।